हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है, मैंने एक मेरे ब्लॉग के लिए सेटअप बाय किया था ओस्मो पॉकेट 2, तो इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस। देखते हैं कैसा और क्या उसकी क्वालिटी है, फुटेज वगैरह सारा चीज़ रिवील करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ हमारा ब्लॉग ब्रदर्स ऑन ट्रिप पे। थैंक यू गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अभी देखते हैं इसके अंदर कैसा क्या चीज़ है। पहले तो पैकेट को खोलते हैं और ये रहा हमारा DJI Osmo Pocket 2 का कैमरा। One hour later. So hello guys, तो आज हम जा रहे हैं दलमा आई थिंक। सो ये हम अब शूट जो कर रहे हैं ये Osmo Pocket 2 DJI का हमने परचेस किया था आज ये हमारे ब्लॉग सेटअप के लिए। तो इस सेटअप को अब देखते हैं क्या है इसका परफॉर्मेंस, कैसा है इसका क्वालिटी, कैसा है इसका माइक्रोफोन का कैपेसिबिलिटी, सब चीज़ आज हम चेक करने वाले हैं गाइज। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, अगर आप भी एक नया ब्लॉगर है, नया ब्लॉगिंग शुरू किए तो गाइज मे बी ये आपके लिए परफेक्ट हो। तो आज हमारे साथ है हमारे क्रू मेंबर, जैसे कि आप सब जानते ही हैं ये ब्रदर्स ऑन ट्रिप की जो हमारी चैनल है ये पूरी एक हमारी क्रू है, उसके मिल के सब हम लोग साथ में ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ें। तो हमारे साथ आज के साथ में है, आज देख सकते हैं यहाँ पे अमनदीप पाजी, ये हमारा विराट भाई, हेलो गाइस, हेलो, यहाँ पे है अमित, हेलो गाइस, और इधर में है अंकन जी, भाई बोल दे हेलो, हेलो गाइस। सो आज जो है हम निकल रहे हैं सीधा डायरेक्टली, अभी घर से हम लोग फ्रेश होके सब चीज़ निकलते हैं डायरेक्ट, फिर हमारी कार से सीधा पहुँचते हैं दलमा की ओर, फिर दलमा से हम आपको फुटेज दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं दलमा के लिए, हमारे साथ सब आ चुके हैं भाई लोग। हेलो गाइस, सबको रेडी है गाइस ब्लॉग के लिए? सब रेडी है ना? तो देखते हैं गाइस, अभी समय हो रहा है आई थिंक 2:24, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं दलमा और पूछ सकते हैं कि नहीं अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी सब तो हम लोग एक्साइटेड हैं, बस निकल चुके हैं ब्लॉग के लिए। चलिए आप भी देखते रहिए आगे हमारे साथ। ये कोई ट्रिप नहीं है हमारा, ये बस हमारा जो है एक कैमरा का टेस्टिंग है, समझे? ये जो है हमारा अभी फर्स्ट कैमरा जो हमारा आया हुआ है Osmo DJI Pocket 2, उसका हम लोग एक टेस्टिंग के लिए कि हमारे आगे ट्रिप में काम आएगा कि नहीं आएगा, ये बस टेस्टिंग के लिए अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो DJI से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये ट्रिप तो है, नेक्स्ट ट्रिप है बहुत ही जल्द आने वाला है, कश्मीर ट्रिप, दिल्ली ट्रिप, मुंबई ट्रिप, उज्जैन ट्रिप, सब आने वाला है। अभी अपकमिंग ट्रिप्स बहुत सारे हैं, ये बस हमारे एक स्टार्टिंग है, ये कैमरा का स्टार्टिंग है। सो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, साउंड परफॉर्मेंस कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, सब चीज़ अभी। अरे कहना क्या चाहते हो?
पेट्रोल भी हम लोग को लेना है, गाड़ी में पेट्रोल की लेवल भी आई थिंक कम हो गई है क्योंकि रास्ता आगे है, फिर पहाड़ में भी सर्किल शर्किल करके पूरा उठना है ऊपर भी, तो गाइस तेल तो लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी चलिए देखते हैं अभी हाईवे में कितना आगे पेट्रोल पंप कहाँ है, पेट्रोल पंप पहुँचते हैं फिर तेल डाल के फिर डायरेक्टली हम लोग दलमा सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री करते हैं। अब इस पर पेट्रोल डला लेते हैं पहले, चलिए प्लास्टिक बोतल। ओके गाइस सो अभी पेट्रोल डला लेते हैं, ठीक है। लापचिक सॉरी मतलब अमन भैया लापचिक उनका एक सरनेम है, लापचिक हम लोग बोलते नहीं है, मतलब लापचिक उसका नाम है नहीं गाइस, निकनेम है उसका एक्चुअली, तो इसीलिए हम लोग को वही बोल के आदत है तो लापचिक बोल देते हैं। बाकी भाई का नाम जो है वो है अमन, अमन नाम है भाई का। हम लोग चर्चा हो रहा भाई मेरे लिए नहीं मतलब बोल रहे थे, मतलब बाय मिस्टेक मेरा मतलब मेरे मुंह से लापचिक निकल गया था, मतलब निकनेम है गाइस तो सबको ही बोलना मत लापचिक, ये इनका नाम है अमनदीप सिंह, ठीक है। बाकी सब बैठा हुआ अंकन आर यू कंफर्टेबल आज बाकी अंकन इतना काला कैसे है तू अंकन तो बोलता था मैं बचपन में हम गोरा थे और धूप में रह रहे हैं कि ये बचपन में गोरा था अभी धूप में घूम घूम के जो हम लोगों के साथ हो चुका है काला। सो गाइस ये सही है कि गलत है आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए गाइस मुझे तो ये। सो गाइस अभी हम लोगों का जो है पेट्रोल हमने डाल दिया है पूरा, देख सकते हैं आप यहाँ पे पेट्रोल जो है गाइस फुल हो चुका है। अंकल कितना हो गया, कितना हुआ 3200, कितना हो गया 3240 नहीं दे रहा भैया। अच्छा 3240 ठीक है भैया, ठीक है। तो गाइस बिल हमारा हुआ जो था 3240। सो गाइस 3240 रुपये का हम तेल डाल दिए, टैंकी पूरा हो चुका है फुल, अभी हम लोग फिर निकलते हैं डायरेक्टली हमारे जो है डेस्टिनेशन पे। फाइनली हम लोग अभी एंट्री गेट पे पहुंच गए हैं, ये मतलब हाईवे में हाईवे का जस्ट सामने है, मतलब एक बोर्ड दिया गया है कि आदमी जो है इधर उधर ना जाए, पता चल जाए कि यहीं से जो है अंदर आना है। तो अभी यहीं सामने कुछ दुकानें हैं जैसे कि आप दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए गाइस ये जो दुकानें हैं यहाँ पे अमित और अंकन गया है सामान लेने, कुरकुरे चिप्स वगैरह सब चीज ले लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। फिर अमित बोतल वोतल सब चीज लेके अभी फिर निकलते हैं आगे, और बस जुड़े रहिए हमारे अंकन वाला, कमेंट करिएगा जरूर कि वो से काला हुआ या फिर ये चीज ट्रू है या फॉल्स है अंकन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यहां से गाइस हम लोगों को लेना होगा राइट, तो यहां पे क्या लिखा आ रहा है गाइस 19 किलोमीटर, इज दिस राइट इज दिस ट्रू। तो गाइस अंदर आने के बाद भी यहां से आप है 19 किलोमीटर as per mentioned in that board, so let's begin. So road तो इतना खराब है guys entrance में, बाकी उधर road ठीक ठाक था but इधर entrance में इतना खराब है पता नहीं कैसे। so आप आगे देख सकते हैं ये है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन एंट्री गेट, अभी यहाँ से देखते हैं एंट्री मिलता है कि नहीं। ओके गाइज तो यहाँ पे हमारी है हाथी मेरे साथी, भाई बंद कर दे ये क्या है गाइस गेट बंद है आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं बुरी किस्मत। वो बोला भी भाई कार वाला ये क्या हो गया गाइस हमारे साथ, हम लोग इतना मेहनत करके आए और हमारे यहाँ पे ब्लॉग के लिए गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि रास्ता ही बंद है गाइस। A few moments later. अभी अंकल बोल रहे हैं कोविड के चक्कर में जो है बंद है, बंद है हमारी किस्मत खराब ही है। कब से बंद है अंकल ये पूरा? 3 तारीख से बंद है, खुलेगा कब जब तक परमिशन ना आए ना, विदाउट परमिशन तो खुलने वाला है नहीं गाइस।
तो मैच ये तीन बार मिला के हो गया हमारा, ये हमारे साथ तीन बार हो चुका है। चलिए हाथी मेरा साथी दिखाते हैं अपने, ठीक है गाइस। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ कुछ आपको सिनेमेटिक शॉट्स और फिर चलते हैं रिटर्न घर, करने का कुछ है नहीं। ओके थैंक यू, थैंक यू फॉर इतना दूर देखने के लिए आप सबको। चलिए आपको हाथी दिखाते हैं, आप हमारे पीछे जो है देखिए दो हाथी है, ये हमेशा यहीं रहते हैं। हमारे साथ हो चुका है पोपट, ठीक है, बहुत बड़ा पोपट जो डर था पहले भाई, इसलिए हुआ हम बताए क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग अंकन का आता टाइम बेइज्जती किए, तो मन ही मन में बोला अगर हम लोग पूरा जाएंगे तो मेरा बहुत भारी बेइज्जती होगा, ये भी हो सकता है गाइस। इसीलिए जो है हमारे साथ क्या हुआ, क्या हो गया हमारे साथ, सब हम लोग गाइस रेडी होके आए थे कि एक्सप्लोर करेंगे दलमा को आपके लिए स्पेशली, एक फुटेज लेंगे बाहर का आदमी, सो अब वो हो नहीं पाया गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। तो हेलो गाइस, तो यहाँ से हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं सर, सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं घर की ओर, एंड गाइस हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा पॉपअप हो गया है, एक्चुअली बंद था यार, दिल से बुरा लगा गाइस, दिल से बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत उम्मीदें लेके आए थे घूमने, बहुत ही खराब लगा, मुझे तो कितना अच्छा ऊपर जाएंगे बैठे, हमें देखते हैं रिटर्न में कहीं भूख भी लगाया गाइस, कहीं खाना वाना खाते हैं, रुक के फिर जाते हैं घर, क्योंकि थोड़ा दूर भी है गाइस, यहाँ से 35-40 किलोमीटर का अराउंड, आप समझ सकते हो गाइस इस चीज को, एंड गाइस आप तब तक व्यू का एंजॉय कीजिए। One hour later. Okay, so guys, अभी हम लोग आ चुके हैं दलमा से, तो आधे रास्ते में हम लोग रुके हैं, यहाँ एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो बस यहाँ हम लोग कुछ खा लेते हैं, पहले लंच कर लेते हैं एंड देन देख सकते हैं, बोलिए कुछ। तो गाइस अभी खा के हम लोग डायरेक्ट घर निकलेंगे, बहुत ख़राब लग रहा है, गए थे वो मिला ही नहीं, खुला ही नहीं मिला, तो अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं फिर जो है आप लोग से मिलते हैं। ओके बटर नान कर दीजिए, कितना, पाँच पाँच का दस होगा, पाँच पीस, हाँ ठीक है दे दीजिए, पाँच बटर नान, चिकन दो प्याज़ा की, चिकन दो प्याज़ा, चिकन दो प्याज़ा, मेरा चिकन दो प्याज़ा, दो चिकन दो प्याज़ा कर दीजिए, सलाद कर दीजिए, ठीक है Two thousand years later. और कुछ खाना है क्या साथ में, अमित तुमको कुछ खाना है साथ में क्या, खाने का मन तो है बट जो पहले मंगाया वो आ जाए, भूख लगी है क्योंकि बहुत जोर से,
नहीं देखिए गाइस, जो समय है, जो मिनिमम समय रहता है बनने का, वो तो अब उसको लगेगा ही, उसके बाद ही कुछ होएगा। तो बर्दाश्त नहीं होती है ना गाइस, बस अब भूख ज़्यादा थोड़ा बहुत तो गाइस यू नो वेट तो करना ही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक मिनट देखिए, बजरंग बली जी की मूर्ति जा रही है, इनकी मूर्ति जा रही है। सो गाइस आप सब देख सकते हैं, अभी इनका मूर्ति का जो प्रतिमा है कहीं शायद स्थापित किया जाएगा, यहीं पे गढ़ने वाली है गाइस। ये जो देख सकते हो गाइस, यहीं पे गढ़ेगी मूर्ति जो है बजरंग बली जी की। सो गाइस यहाँ जो बजरंग बली जी का जो मूर्ति है वो अभी उनको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा मंदिर के पीछे में भी, वहाँ पे या फिर हाँ वहीं पे होगा, मंदिर के पास ही स्थापित किया जाएगा बजरंग बली जी का मूर्ति। तो गाइस अभी सही से देख लीजिए और जय श्री राम बोल दीजिए गाइस, जय जय श्री राम। So guys, यहाँ हमारा खाना जो है आ चुका है, अंकन भी खाना खाने बैठ चुका है गाइस। खाना कैसा है, खा के देखा? हम लोग यहाँ पे अभी ओरियो शेक जो है पी चुके हैं। ये हमारा लापचिक भाई स्टार्ट कर दिए खाना। अमन भाई ठीक है? एकदम ठीक है भाई, भूख लगी है, क्या करें। विराट भैया भी खा रहे हैं। विराट भैया आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे भैया। क्या अमित ब्रो, everything is good, food is okay। और guys यहाँ पे आपका भाई, चलिए अभी खाना खा लेते हैं। One hour later, so खाना होना guys हो चुका है अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, ये देखिए guys होटल, और यहाँ पे अभी जो है बजरंग बली जी का मूर्ति यहाँ पे अभी स्थापित किया जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं जो स्थापित, अरे कहना क्या चाहते हो, स्थापित किया जाएगा बजरंग बली जी का मंदिर जो है, सॉरी मूर्ति जो है, सॉरी गाइस फॉर दिस कन्वीनियंस। सो अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, तो चलिए घर की ओर, चलिए भाई। खाना वाना हम सब ने खा चुके हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे घर की ओर, क्योंकि जो है समय भी अभी शाम का हो गया और गाइस लॉकडाउन भी 8 बजे से, तो उससे पहले हमें तो घर में रहना ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं सीधा घर बिना किसी वक्त गवाए।